दो वीडियो के सीरीज में हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपने हेयर को स्ट्रांग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने दो पॉइंट्स हेल्थ और स्ट्रेस पर बात की थी और इस वीडियो में स्लीप, फूड और वाटर पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा और आप देख रहे हैं हेयर का सबसे ऑथेंटिक, साइंटिफिक और ट्रस्टेड चैनल हेयर एजुकेशन। अगला या तीसरा पॉइंट है स्लीप। स्लीप एक प्रोसेस है अपने बॉडी को रिजुविनेट करने का और स्लीप का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बाकी हर चीज का सब्स्टिट्यूट है पर स्लीप का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो स्लीप इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका स्लीप एडिक्वेट होना चाहिए, ना तो कम और ना ही ज्यादा। कम स्लीप से आपकी बॉडी में हुए टूट फूट का रिकवरी नहीं हो पाता है और ज्यादा स्लीप मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। आपको कितने घंटे की स्लीप की जरूरत है वो सिर्फ आपको समझता है। स्लीप इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 10 दिन कम सोकर देखिए और अपने बालों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 10 दिन में आपके बाल भूखे, सूखे और बेजान से नजर आने लगेंगे। एडिक्वेट स्लीप के साथ टाइमिंग ऑफ स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी सोना और जल्दी उठना कुछ लोगों के लिए आउटडेटेड लगेगा, पर इस दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हमेशा जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। लेट नाइट वेस्ट ऑफ टाइम ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर आपके हेल्थ और हेयर दोनों को कमजोर बनाता है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनकी मजबूरी है, तो ऐसे लोग कम से कम ये कोशिश करें कि वो जब भी सोएं सफिशियंट सोएं। फोर्थ पॉइंट है फूड। फूड की अगर हम बात करें तो मेल से ज़्यादा इशू फीमेल में है। 25% फीमेल के बाल सिर्फ इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनका ईटिंग हैबिट काफ़ी चटपटा और मसालेदार होता है और उन्हें लंबे समय तक कंट्रोल करना और हेल्दी डाइट खाना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका फूड हैबिट रेगुलर होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम पर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन सब कुछ होना चाहिए। हाई इन प्रोटीन और इजली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। आपके हर खाने में 30-35% प्रोटीन होना चाहिए। इस पर डिटेल में दो वीडियो अवेलेबल है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक दिन में कम से कम 50-100 ग्राम स्प्राउट्स, दो बार दाल, 500 ml मिल्क, 4-5 सीजनल फ्रूट्स, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एक लेमन तो लेना ही चाहिए। सीजनल फ्रूट्स लेने से कई फायदे हैं। आपको मिनरल्स, वाइटमिन्स, फाइबर्स मिलता रहता है और आपको अलग अलग मल्टीवाइटमिन्स और मिनरल्स लेने की जरूरत नहीं होती है। फ्रूट खाते समय दो बातों का ख्याल रखें, कभी मिक्स फ्रूट ना खाएं और फ्रूट हमेशा खाने से 30 मिनट पहले या बाद में खाएं। लास्ट पॉइंट है वाटर इंटेक। वाटर इंटेक पर डे 2.5-3 लीटर होना चाहिए, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जूस, कोकोनट वाटर या किसी भी फॉर्म में लें। एक कॉपर का बॉटल रखें, उसमें 10 से 11 घंटे तक वाटर को स्टोर करें और उस पानी को पिए। ये आपके बॉडी में अल्कलिनिटी को बढ़ाता है और कॉपर पेप्टाइड बालों के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपने हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है या नहीं किया है, तब भी इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखें। आपके बालों में 20% इंप्रूवमेंट तो सिर्फ न्यू हैबिट रिकंस्ट्रक्ट करने से आ जाएगा। और अगर आपने ये हैबिट हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया है तो आए हुए बालों को मेंटेन करना भी आसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो से आपके बाल और हेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट होगा। अगर हमें अच्छा लाइफ जीना है तो इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स एंड हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।